राज्य सरकार शुरू से प्रयासरत है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है वह बेहतर हो, इसके साथ ही साथ यूनानी से लेकर के एलोपैथिक से लेकर के सभी प्रकार की पैथी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल है जिसे कि 1994 में स्थापित किया गया था, वह आज भी जो कानून पास हुआ था इंतजार में है कि उसका क्रियान्वयन किया जाए। 2010 में करीब जो एक बिल पास हुआ था जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि जो कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसका जो है सरकार अधिग्रहण करेगी और इसके बाद सरकार इसका अंडरटेक करके इसे चलाएगी। हालांकि अब भी जो गवर्निंग बॉडी है उसके माध्यम से अस्पताल चल रहा है, इस कारण ये जो अस्पताल है वह बात जो रहा है कि कब जो है सरकार इसका अधिग्रहण करे और इसकी जो बुनियादी सुविधाएं और विकसित हों। और इसका बिल जो है टेक ओवर का कि गवर्नमेंट इसको ले ले, क्योंकि मैनेजमेंट जो है प्राइवेट कॉलेज को चला नहीं पा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बढ़ गया है और इसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए, अप टू डेट करने के लिए जब मैनेजमेंट ने देखा कि नहीं ये मुमकिन नहीं है तो हेल्थ मिनिस्टर को उस वक्त अप्रोच किया गया और रिक्वेस्ट की गई कि इसको आप टेक ओवर कर लीजिए ताकि ये पैथी जो है स्टेट में जीवित रहे। ये ऐसा हुआ कि फॉर्चुनेटली वो बिल जो है 2009 में पास हो गया असेंबली में, लेकिन उसके बाद से जो है कोई भी स्टेप, इसका फर्दर स्टेप जो है ये नहीं लिया जा सका है, नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट भी और साथ साथ यहाँ के जो स्टाफ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरकार से हाल ही में जो है यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की ओर से जो है और जो गवर्निंग बॉडी है उसने एक लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, साथ ही अपील की है कि जल्द से जल्द जो है सरकार इसका अधिग्रहण करे ताकि जो यहाँ के विद्यार्थी हैं और जो लोग हैं उन्हें जो यूनानी चिकित्सा परिसेवा का सही लाभ मिल सके। संगीत त्रिपाठी, सन्मार्ग, कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल।